बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 17 से 18 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इससे मैं शर्ट तैयार करूंगी, इसमें इसकी डिजाइनिंग करूंगी। ये ट्रोजर का कपड़ा बचा हुआ मैंने इसके साथ रखा, इसके साथ इस कलर का ट्रोजर तैयार करूंगी। ये 2.5 गज कपड़ा है, ये लॉन का फैब्रिक है। ये 2 तह में फोल्ड है। चौड़ाई इसकी 22 इंच है। अब इसे मैं 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। ऊपर से इजाफी पीस उतार दूंगी। अब मैं इसकी ए लाइन शेप में कटाई करूंगी। ये मैंने 4 तह में फोल्ड किया है। और ठीक इसके तीरे की चौड़ाई रखूंगी, 8 इंच ही कंधे की गहराई रखूंगी। ऊपर से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए चेस्ट की चौड़ाई होगी 10 इंच। आधा इंच में ज्यादा लूंगी सिलाई के लिए। फ्रंट साइड का जो है मैंने 1/2 इंच ज्यादा रखा है यहां से गुलाई के लिए। अब मैं इस तरह से इसकी गुलाई कर लूंगी। यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहां से कमर का नाप लूंगी, 9 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब मैं यहां से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। नीचे से 3 इंच पे मैं गुलाई दूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 3 इंच और गहराई इसकी लूंगी 6 इंच। वी शेप में मैंने ये गला तैयार करना है। हल्की सी इसकी यहां से गुलाई काटूंगी और बैक साइड के गले की गहराई रखूंगी 2 इंच। अब मैं बैक साइड के गले की कटाई काटूंगी। बैक साइड को दरमियान से निकाल दूंगी। फ्रंट साइड की कंधे की गहराई करूंगी। इसके नीचे मैं ट्रोजर का कपड़ा डालूंगी। ऊपर मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। और यहां पे मैं लगाऊंगी निशान 5.5 इंच पे। और यहां
यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इसके दरमियान में ये वाला पीस अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 10 इंच, लंबाई मैंने इससे तकरीबन 1.5 इंच ज्यादा ली है और मैं इसके साथ इस तरह से इसे अटैच करूंगी। यहां पर आपकी सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद इस साइड पे इस तरह से फोल्ड करती हुई इस साइड की भी सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया। अब मैं यहां पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर जो है ये वाला फ्लावर अटैच करूंगी इस तरह से, और यहां पे ये वाले बटन अटैच करूंगी। फ्रॉक की कटिंग करते हुए जो साइड से पीस निकला था उससे मैं बाजू तैयार कर लूंगी। बाजू की लंबाई होगी 20 इंच। नीचे से आधा इंच इस साइड से छोड़ूंगी क्योंकि मैंने सिलाई लगानी है। इस साइड से खुले हैं और 6 इंच पे बाजू की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। ऊपर से भी आधा इंच छोड़ते हुए 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 4 इंच पे इसकी गुलाई करूंगी कंधे की। अब इसकी गिलाई कर लूंगी। अब इनको आपस में इस तरह से अटैच करूंगी। यहां पे सिलाई लगा दूंगी और नीचे मैंने ये पट्टी अटैच करनी है। इसकी चौड़ाई जो है इन बाजुओं के मुताबिक लूंगी। इससे दोनों बाजुओं की पट्टियां तैयार कर लूंगी। बैक साइड पर आपकी सिलाई लगाऊंगी और फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। बाजू की सिलाई मैंने लगा ली है, बाजू मुकम्मल तैयार कर लिया। अब मैं गले के लिए कपड़ा कटाई कर लूंगी। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। इस तरह से इसके ऊपर गला रखूंगी।
इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूंगी और इसे बैक साइड को मोड़ के हैंड स्टिच कर लूंगी। अब मैं फ्रॉक की आपको मुकम्मल स्टिचिंग दिखाऊंगी, बाकी काम इसका बिल्कुल सिंपल है। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। बहुत ही आसानी से इस तरह की फ्रॉक बन जाती है और पहनते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशी अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।